पर्यावरण और नदियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट अर्थवर्ड ने अल्मोड़ा जिले के कॉर्पोरेट पार्क से लगते मरचूला स्थित जनता इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही स्कूली बच्चों के कॉर्पोरेट पार्क से सटकर बहने वाली रामगंगा नदी में स्वच्छता अभियान चलाकर 2 क्विंटल से अधिक कूड़ा एकत्रित किया गया। साथ ही नदी के आसपास रहने वाले लोगों और नदियों और पर्यावरण को दूषित नहीं करने को लेकर भी जागरूक किया गया। प्रोजेक्ट अर्थवर्ड के संस्थापक अर्जुन मित्तल ने बताया कि आधुनिकीकरण बढ़ने के साथ ही पर्यावरण पर भी खतरा तेजी से बढ़ा है। इसके चलते पर्यावरण में भी बदलाव हो रहा है। उन्होंने बताया कि आज सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण दूषित हो रहा है। इसी को देखते हुए एक स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान के दौरान रामगंगा नदी से 2 क्विंटल कूड़ा निकाला गया। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की गई है कि वो अपना कूड़ा इस तरीके से नदी किनारे या खुले में ना फेंके, क्योंकि ये कूड़ा जंगली जानवर खाकर भी मौत के मुंह में जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे मामले कई बार प्रकाश में अलग अलग जगह से आए हैं। साथ ही ये पर्यावरण के लिए बहुत ही भयंकर परिणाम भविष्य में हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण का अभियान आगे भी जारी रहेगा। अभी हम करंटली जिम कॉर्बेट में हैं और हमने यहाँ पे अभी एक प्रोग्राम कंजर्वेशन प्रोग्राम किया है। तो आज हमने एक स्कूल के साथ कनेक्ट करके 200 बच्चे अप्रॉक्सीमेटली, अभी हम यहाँ पे रामगंगा रिवर आए हैं, वहाँ पे हमारी क्लीनिंगनेस ड्राइव है। तो यहाँ पे हम अभी नदी के किनारे किनारे सारा जो कूड़ा यहाँ पे जो लोगों ने फेंका था, हम सब कुछ उठाएंगे एंड उसको रीयूजेबल बैग्स में डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका उद्देश्य है कि हर बच्चे को इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आगे वाला हम बच्चों में ऐसी शक्ति है कि हम अपने पृथ्वी के भविष्य को बचा सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, क्योंकि मैं भी मेरा भी ये मानना था कि जैसे मैं शहर से हूँ और वहाँ पे ज़्यादा लोगों को नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में, और मैं जब से मैं छोटा था मैं इन सब चीज़ों का पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, तो मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे मैं अपनी लोगों को समझा सकूँ, लोगों को अवेयर कर सकूँ कि जो ये चीज़ें हो रही गलत हो रही है। तो तभी मैंने ये प्रोजेक्ट खोला और उस प्रोजेक्ट के थ्रू ही आज जो ये सब किया है। और दिल्ली में भी हमने काफ़ी काम किया है, हमने वहाँ पे एक NGO के साथ कोलैबोरेट करके हमने वहाँ पे 5 वर्कशॉप्स की थी और बच्चों को अलग अलग चीज़ें पढ़ाई थी इन्वायरमेंट के बारे में, एंड हमने फ़ंड रेजर से उनके लिए फ़ंड्स भी रेज किया है। सो ये और अभी मेरा मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही हम अलग अलग जगह पूरे इंडिया में ऐसे ही कार्यक्रम करें जिससे कि हमारा मैसेज या फिर मेरे जैसे और भी 1000 बच्चे जो इस चीज़ के लिए काम करें बहुत लोग तक पहुँचे, जिससे कि हम अपने धरती को एक अच्छे ट्रैक पर ला सकें। इस प्रोजेक्ट का एक भाग के रूप में ये ख है, मध्य में भी प है, अंत में इसके ह है। कहीं पतंग नहीं हूँ मैं, ना बिजली चूहा हूँ, वन में पेड़ों पर रहता हूँ, सुर में रहकर कुछ कहता हूँ। पूरे क्षेत्र में रहती है और अगर यहीं से वो नदी अगर हमारे शुद्ध में निकली तो नीचे भी वो शुद्ध रहेंगी। ये एक मेला नहीं है, ये एक प्रकार की सोच है हम लोगों की कि आप हमारे स्कूल से प्रारंभ कर रहा है, जबकि आपका यूनिवर्सिटी का है, किसी यूनिवर्सिटी का है जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ भी अपना पर्यटन में ज्यादा ध्यान दिया जाता है, हमारे यहाँ थ्योरी में ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू करेंगे। बस डांट रहे हैं।